धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्यता की ले रहे थे शपथ, विपक्ष दल लगाने लगे नीट परीक्षा के नारे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अन्य सभी लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाया जा रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विपक्षी पार्टी संसद के बाहर हाथ में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। वहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा विरोध का नजारा संसद के अंदर भी देखने को मिला। दरअसल जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे, तब नीट परीक्षा में कथित अनियमितता के मुद्दे की गूंज संसद में गूंजने लगी। प्रधान की सीट से उठते ही विपक्षी दलों के कुछ सदस्य नीट और शेम के नारे लगाने लगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG 2024 में कथित अनियमितता और कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में विपक्ष सरकार को घेर गया। हालांकि इससे संसद के कार्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले PM मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष से शांति की अपील की थी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना ही नहीं, अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने विपक्षी दल पर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा कि कल 25 जून है, जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून ना भूलने वाला दिन है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी ये कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास बस यही एक मुद्दा है। उस समय कम से कम डिक्लेयर्ड था, लेकिन देश में अब अनसेड इमरजेंसी लग चुकी है। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। परीक्षा को रद्द करने की मांग, बता दें पहले से ही विपक्षी दल नीट UG 2024 परीक्षा को रद्द करने और शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 5 मई को आयोजित इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक संदर्भ के आधार पर रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की। केंद्रीय एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ गुस्सा तब फूट पड़ा जब एजेंसी ने नीट PG परीक्षा को निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले स्थगित कर दिया। विभिन्न राज्यों से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र के इस कदम की डॉक्टर संघों और छात्र संगठनों ने आलोचना की। नीट UG परीक्षा मई में आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। कई केंद्रों पर ग्रेस मार्किंग के कारण सैकड़ों छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए थे। इस साल 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंकों के साथ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। अनियमितताओं के आरोपों के बीच केंद्र ने NTA के कामकाज की जांच करने और परीक्षा सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। सरकार ने NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को भी हटा दिया। नीट UG अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो को सौंप दी गई।